झाबुआ लॉकडाउन 30 अप्रैल तक रहेगा, कलेक्टर प्रबल सिपाहा किसानों के लिए भी संवेदनशील है सरकार। वैश्विक महामारी पर नियंत्रण रखने व उसे जड़ से समूल समाप्त करने के लिए झाबुआ जिला कलेक्टर प्रबल सिपाहा रविवार को निर्देशित करते हुए लॉकडाउन को आगामी 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। झाबुआ जिले पर भी हर चौराहे पर पुलिस मौजूद है व फालतू बेवजह घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने इस संवाददाता के माध्यम से जिले की जनता से अपील करते हुए कहा कि महामारी के संकट में संयम के साथ अपने घरों में रहते हुए शासन प्रशासन के नियमों का पालन कर सहयोग करने को कहा है। विगत दो दिनों में जिले के ग्रामीण अंचल में फैली अफवाहों पर सख्त कलेक्टर ने कहा कि कुछ लोगों का काम ही अफवाह फैलाना है, इसलिए जनता को उस ओर ध्यान न देते हुए तथ्यात्मक सत्य जानकारी प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए स्थानीय अधिकारी व जिला कलेक्टर व एसपी कंट्रोल रूम से संवाद किया जा सकता है। प्रशासन भी सोशल मीडिया पर ध्यान रख रहा है। कोरोना संबंधी भ्रम व अफवाह फैलाने वालों पर सख्त है कार्यवाही की जा रही है। किसानों के लिए भी शासन प्रशासन संवेदनशील है। आगामी 15 अप्रैल से सभी पंजीकृत किसानों की गेहूं व चना फसल का SMS के जरिए उन्हें केंद्र पर बुलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि संपूर्ण जिले में 20 केंद्रों पर दो भाग में 45 दिनों तक पंजीकृत किसान से फसल क्रय करेगी। SMS पर इसकी जानकारी दी जाएगी और जिन्हें SMS आए उन व्यक्ति को ही केंद्र पर आने की सलाह दी। प्रत्येक किसान को दो अवसर दिए जाएंगे और जिन्हें SMS नहीं आता है वे स्थानीय कृषि विभाग या जिला प्रशासन से संपर्क स्थापित कर सकता है। कपास आदि अन्य फसलों का असेसमेंट करवा कर उनकी भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में किसान भी थोड़ा संयम रखकर सहयोग करें, शासन प्रशासन उनके लिए हर संभव सहायता करने को तत्पर रहेगी। ये अफवाहें थी और बात सारी झूठी थी। लोगों से यही अपील है कि अफवाहों पे ध्यान ना दें। यदि ऐसा कुछ भी उनको लगता है तो तत्काल कंट्रोल रूम के नंबर पे मुझे, SP साहब को, लोकल SDM को, जिसको उचित समझें, तत्काल खबर करें। वील टेक एक्शन। और एक अपील है सभी से कि इस ऐसे मौक़ों पे कुछ लोगों का काम सिर्फ अफवाह फैलाने का ही होता है और इस पे ध्यान ना दें। तत्परता से हमें सूचित करें, हम ऐसे लोगों को पकड़ के उनके विरुद्ध बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। लॉकडाउन जो है अब 30 अप्रैल तक के लिए रहेगा। यही अपील है कि उपार्जन का काम 15 तारीख से निर्बाध रूप से चालू होगा। किसानों को सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जिसको SMS मिले केवल वही उपार्जन केंद्र पर आए। उपार्जन केंद्र पर यह व्यवस्था की गई है कि जिन भी किसानों को बुलाना है उनको SMS एक दो दिन पहले जाएगा। उसमें भी दो स्लॉट्स हैं, एक सुबह 9 बजे से आने का, दूसरा 2 बजे से आने का। तो समय सीमा का वो पालन करें, उसका सम्मान करें। जिनको 9 बजे सुबह आना है वो बिल्कुल 9 बजे सुबह आए। जहाँ तक है एक उपार्जन केंद्र में पहली पारी में जैसे 9 से 1 बजे तक थी, मुश्किल से 12 से 15 किसानों को ही SMS जाएगा। इसी तरह शाम को भी 15 किसानों का लगभग SMS जाएगा, जो कि 1 बजे से लेकर 5-6 बजे तक हम उपार्जन का काम करेंगे। इसलिए बिल्कुल भी भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिसको SMS नहीं जाएगा वो हमारे DDA जो कृषि के अधिकारी हैं उनको अथवा मुझे या जिला कंट्रोल रूम में नोट कराएं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनको भी समय पर मैसेज मिल जाए। यदि कोई किसान किसी कारणवश SMS मिलने के बाद भी नहीं उपस्थित हो पाता है निर्धारित दिन पर या निर्धारित समय पर, उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसको दूसरा मौका हम फिर देंगे, ज़रूरत होगा तो तीसरा भी देंगे, जिसका पर्याप्त कारण होगा उस समय पर नहीं आने का। मेरा किसान भाइयों से स्पष्ट अपील है कि वो जो उनको SMS आया है उस समय अवधि का सम्मान करें, उस समय अवधि में आए, भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं लगाएं। हमारे पास उपार्जन में गेहूँ और चना क्रय करने के लिए पर्याप्त दिन है, 45 दिन का समय है। 20 हमारे उपार्जन केंद्र हैं, लगभग 10,000 किसानों ने रजिस्टर कराया है। आप ही इसको अंक गणित के हिसाब से यदि गुणा भाग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक दिन में एक उपार्जन केंद्र में 15 से 20 लोगों को ही यदि हम लेते हैं तो भी पूरे 45 दिन में हम ये उपार्जन कर पाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिसको SMS पहुंचने के बाद भी यदि समय पर उपस्थित नहीं होता उसको पुनः अवसर हम देंगे। जब किसान उपार्जन के लिए अपना सामान उपार्जन केंद्र पर आए अपना गेहूं चावल विक्रय करने के लिए, तो उनसे ये अपील है कि ट्रॉलियों को व्यवस्थित रूप से लगाएं, सड़क के एक किनारे लगाएं, एक दूसरी ट्रॉली के बीच में गैप रखें, ट्रॉली में 3 से अधिक लोग किसी भी हालत में ना आए और
वहाँ आने पर भी एक दूसरे से मिक्सिंग यदि उनकी होना भी है तो वो 2 मीटर का दूरी बना के रखें, एक दूसरे के पास बिल्कुल नहीं आए। जब उस अवधि में वहाँ रहते हैं साबुन से अपने हाथ लगातार धोते रहें, बिना मास्क लगाए उपार्जन केंद्र पर आने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, क्योंकि अब ये एक्ट के तहत अनिवार्य है कि सार्वजनिक स्थलों पर उनको मास्क लगाना है। यदि इन सब बातों का पालन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनको उपार्जन केंद्र में अपने उत्पाद को विक्रय करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी परेशानी होती है तो कंट्रोल रूम के नंबर्स मेरे नंबर पर संपर्क करें, हम उनकी मदद के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। जैसी खबर है मेजॉरिटी कपास तो जा चुका है, पर जिन लोगों का छूटा है उसका असेसमेंट करा लेते हैं, उनसे सूचना ले लेंगे। PN Voice के लिए झाबुआ से चीफ फील्डर पवन नाहर की रिपोर्ट।